सो पहला पॉइंट डिम्सन ऑफ रिएजमेंट रिएक्शन से रिलेटेड यही होगा। ये जो सर डिम्सन ऑफ रिएजमेंट रिएक्शन है ये कौन सा सिस्टम शो करता है? प्राइमरी एमीन ये जो रिएक्शन है इसको शो करता है। तो रिएक्टेंट के तौर पे हमको क्या लेना पड़ेगा? अरे बोलो ना भैया, प्राइमरी एमीन हमको लेना पड़ेगा। अब ये जो प्राइमरी एमीन है इसके साथ जब मैं HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड की रिएक्शन हम करवा देंगे। सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ओनली नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा ये तो ठीक है, पर उसके साथ साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस भी मेंटेन करना पड़ेगा। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो रिएजमेंट रिएक्शन होने के बाद जो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट होगा ना सर वो एल्कोहल होगा। इसका मतलब सर रिएक्टेंट के तौर पे हम यहाँ पर प्राइमरी एमीन लेंगे और प्रोडक्ट यहाँ पर जो बनेगा वो एल्कोहल बनेगा। और आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो जब आप लोग प्राइमरी एमीन की डायजोटाइजेशन करोगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो एल्कोहल बनेगा, राइट? अब इसका एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। तो NCH3 CH2 CH2 NH2। सर ये तो एक प्राइमरी एमीन की एग्जांपल है, एकदम सही बोला आपने। अब इसके साथ जब मैं HNO2 की रिएक्शन करवा दूंगा इसका मतलब नाइट्रस एसिड, ये क्या है? नाइट्रस एसिड है। सो नाइट्रस एसिड के साथ इसका जब हम रिएक्शन करेंगे ये जो NH2 है ना ये NH2 बेसिकली N2 प्लस में चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर N2 प्लस को फॉर्म करेंगे। अब देखो ये जो N2 प्लस ये कैसे बना इसलिए आपको कौन सा रिएक्शन देखना पड़ेगा मेरा प्लेलिस्ट में है, प्लीज विजिट करना टिफेन्यू डेम्सन ऑफ रिएजमेंट। वहां पर मैंने डिटेल मैनर में बताया कि NH2 से N2 प्लस कैसे बना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो रिएक्शन को देख लेना। कौन सा रिएक्शन सर? टिफेन्यू डेम्सन ऑफ रिएजमेंट। तो टिफेन्यू डेम्सन ऑफ रिएजमेंट रिएक्शन को प्लीज चेक कर लेना, वहां पर मैंने डिटेल इसका मैकेनिज्म बताया कैसे NH2 से N2 प्लस में गया, राइट? यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देख रहे हो एक पॉइंट यहाँ पर है क्या सर, ये जो N2 प्लस है ना ये तो सर अगर मैं नाइट्रोजन की बात बताऊं ये तो सर वर्ल्ड की बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बाहर जाएगा। और जब जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बाहर जाएगा ना सर इसका मतलब यहाँ पर कार्बन के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सर, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो कार्बोकैटायन बनेगा ना सर 1 डिग्री कार्बोकैटायन सर, ये जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है ना सर ये मोटा मोटी तौर पे स्टेबल है, पर इससे भी अगर ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाए इसको, अगर इससे भी ज्यादा इसका मतलब सर अगर 1 डिग्री है 2 डिग्री या 3 डिग्री अगर कार्बोकैटायन बन जाए ना तो फायदा ही फायदा होगा सर। बनने की चांस है, जरूर है। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो ना ये जो हाइड्रोजन है ना इस हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, और अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए ना सर तो सर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इसका मतलब स्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी। CH3 CH+ और यहाँ पर CHC आ गया, क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। इस स्टेप का नाम क्या है? हाइड्राइड शिफ्ट, नोट करते जाना मेरे साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ सर? 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, 1 डिग्री से 2 डिग्री, फायदा ही फायदा। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या? नेक्स्ट स्टेप में पानी के साथ इसका रिएक्शन। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में यह आ सकते हैं सर पानी कहाँ से आया, पानी तो नहीं लिया कहाँ से आया सर? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो टिफेन्यू डेम्सन ऑफ रिएजमेंट है ना उसको प्लीज देख लेना, क्योंकि वहां पर मेकानिज्म में मैंने पूरा बताया कहां से पानी आएगा। अगर आप लोग वो रिएजमेंट रिएक्शन देख लोगे तो आप लोग इजीली समझ लोगे। बेसिकली जब मैंने एक स्टेप में बताया था टिफेन्यू डेम्सन ऑफ रिएजमेंट में कि नाइट्रोसो फॉर्म से ऑक्सिम फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, और ऑक्सिम में OH ग्रुप एक प्रेजेंट है, और रिएक्शन मीडिया में देखो ये नाइट्रस एसिड है इसका मतलब H+ प्रेजेंट होगा, हाँ सर, तो इसका मतलब OH2+ में चला जाएगा, और पानी तो एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है तो इसका मतलब रिएक्शन मीडियम में वो पानी जो प्रेजेंट होगा उसके साथ ही इसका रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसका मेकानिज्म और इसका मेकानिज्म अल्टीमेटली सेम ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है इसके साथ पानी का रिएक्शन। अब पानी अगर यहाँ पर अटैक करे तो क्या होगा? अरे बोलो ना भैया, CH3 NCH3 CH2 CH2 OH2+।
अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आया ना अनस्टेबल, तो एक एच प्लस को अगर आप लोग रिलीज कर दोगे तो अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा प्रोडक्ट के तौर पे, और ये जो प्रोडक्ट है ये माइनर होगा रे भैया। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन से बना, इसलिए ये माइनर। पर अगर इसके साथ ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना है इसके साथ जब आप पानी की रिएक्शन करवा दोगे तो क्या होगा सर, यहाँ पर ना 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्म होगा। अब ये जो एल्कोहल बनेगा ना स्टेबल बनेगा क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन से बना, और ये जो प्रोडक्ट है इसको आप मेजर भी बोल सकते हो, मेजर प्रोडक्ट। तो यही था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेंजन ऑफ रिएजमेंट रिएक्शन। अब बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, अब ये 2 क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लास खत्म हो जाएगा। नोट करना इस पॉइंट को प्लीज। तो चलो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और ये 2 क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक 4 मेंबर रिंग उसके साथ NH2 ग्रुप अटैच्ड है, गॉड फरमाना। सो उसके साथ HNO2 की रिएक्शन, तो NH2 के साथ जब हम नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करवा देंगे तो ये जो NH2 है ना वो N2+ में चला जाएगा। अरे बोलो ना भैया, N2+ में चला जाएगा। हाँ सर, अब ये नाइट्रोजन तो सर वर्ल्ड की बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इसका मतलब ये तो छोड़ के चला जाएगा। इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब कार्बोकैटायन बन गया। अब इसके साथ पानी का रिएक्शन होके इस सिस्टम के साथ पानी का एक रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दिस एल्कोहल विल फॉर्म आ, और एक प्रोडक्ट बन सकते हैं। प्लीज ध्यान से देखना, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, तो 4 मेंबर से 3 मेंबर में चला जाएगा और यहाँ पर CH2 के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर 4 मेंबर से 3 मेंबर में क्यों जाएगा, 4 मेंबर तो सर ज्यादा स्टेबल है विद रेस्पेक्ट टू 3 मेंबर, पर ये जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन है ना इसका स्टेबिलिटी मिलेगा कहां से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग करूं 1 2 3 4, ये जो C2 और C4 के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, सिमिलरली C2 और C3 के बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड है, और इसमें क्या है एप्रिशिएबल पी कैरेक्टर है जो इस कार्बन की पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइजेशन के थ्रू स्टेबिलिटी देगा, राइट। तो इसलिए ये 4 मेंबर से 3 मेंबर में जाएगा। अब इसके साथ पानी का रिएक्शन होने के बाद और एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज CH2OH। अब देखो और एक प्रोडक्ट बन सकता है, जैसे मैंने क्या बोला डीलोकलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगा, तो डीलोकलाइजेशन कैसे होगा, देखो ये यहाँ पर जाएगा राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ 2 और 3 के बीच में बॉन्ड टूट गया ना, अरे बोल दो ना यार, तो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इसके साथ पानी का जब मैं रिएक्शन करवा दूंगा तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना, हाँ सर, तो ये भी प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा, ये मेजर बनेगा प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट ये है, ये माइनर और ये भी माइनर होगा, और इसका अगर मैं बात बताऊं ये तो 1% के आसपास आता है, ये 47% के आसपास और ये 48% के आसपास आता है प्रोडक्ट के तौर पे, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, ध्यान से देखना, तो यहां पर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, सर 4 मेंबर रिंग उसके साथ CH2NH2। अब यहां पर प्लीज देखना, इसके साथ जब मैं HNO2 की मुलाकात करवा दूंगा तो क्या होगा, CH2+ में चला जाएगा अल्टीमेटली, हाँ सर, क्योंकि ये NH2 N2+ में चला जाएगा। अब नाइट्रोजन वर्ल्ड की बेस लिविंग ग्रुप है, वो अगर बाहर चला जाए तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एकदम सही। आप इसके साथ क्या हो सकता है सर, इसके साथ पानी की रिएक्शन हो सकता है और एक प्रोडक्ट बन सकता है ये प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये माइनर होगा ना,
एकदम सही बोला सर आपने। और एक प्रोडक्ट बन सकते हैं, कैसे सर? कार्बन कार्बन बॉन्ड माइग्रेशन होगा 1 2 3 4 5, तो यहां से 4 मेंबर से 5 मेंबर चला जाएगा। यहां पर मैं इसको 5 मान रहा हूं, इसको 2, इसको 1 मान रहा हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब 5 के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, राइट? क्योंकि 2 और 5 के बीच में बॉन्ड टूट गया, इसलिए 5 के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसके साथ जब मैं पानी की रिएक्शन करवा दूंगा तो यहां पर क्या होगा सर? 2 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना सर, ये अगर मैं बताऊं, ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये माइनर बनेगा। तो यही था। और बुक में और एक चीज दिया गया है कि ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, दैट इज ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसका एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है, राइट? इसको प्लीज नोट करना, एक बुक में दिया गया है, एक बुक में नहीं दिया गया है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होने के बाद ये प्रोडक्ट भी बन सकता है माइनर के हिसाब से, राइट? तो यही था हमारा डेंजर ऑफ रिएजमेंट रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डाकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो बाय बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।